हेलो, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हानवी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज फ्राइड राइस, जिसके लिए मैंने चावल लिए, इनको मैंने उबाल लिया था नमक डाल के और इन्हें ठंडा कर लिया है। एक मैंने लिया है बारीक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, मटर और एक हरी मिर्च और अदरक कद्दूकस किया हुआ। तो चलो बताती हूँ कैसे बनाते हैं इनको। मैंने गैस ऑन कर दी है, इससे मैंने एक बर्तन रख लिया। अब मैं इसमें तेल डालूँगी। देखिए, मैंने ये तेल ले लिया है, मैं इसको चारों तरफ फैला लूँगी ताकि मैं चावल डालूँ तो तब चिपके नहीं। देखिए, हमें तेल को अच्छे से गरम करना है। अब मैं सबसे पहले इसके अंदर कटा हुआ प्याज डालूंगी। अदरक और हरी मिर्च। अब मैं अपनी सब्जियां डालूंगी। हमें ज़्यादा नहीं पकानी है, हमें इन्हें क्रंची रखना है। ये मैंने मटर डाल दी है। अब मैं इसके अंदर शिमला मिर्च, गाजर, आप चाहें तो अपनी पसंद की सब्जियां ले सकते हैं। अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालें। देखिए, हमें इन सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है। हमारी सब्जियाँ 2 मिनट तक पक चुकी है। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने अपनी वेजिटेबल्स और चावल को अच्छे से चला लिया है। अब हम इसमें आधी चम्मच विनेगर डालेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारे वेज फ्राइड राइस बनके तैयार है। आप चाहे अपने हिसाब से सब्जी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक बार आप इस तरह से फ्राइड राइस बना के देखिए, ये एक बहुत ही अच्छे बनते हैं। और प्लीज़ मेरा चैनल, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, हमारे फ्राइड राइस बन के तैयार है। ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। आप चाहें इसमें अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मैं इनको टमाटर की चटनी के साथ खाती हूँ। आप एक बार इस तरह बना के देखें, सेमी ये बहुत ही यम्मी बनते हैं। प्लीज़ एक बार इसको ट्राई करें। और यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।